Hey friends, welcome to the channel, Sahil the Side Eye. Hope you all are doing great. और आज आपका भाई आपके लिए क्या आया? MKT का True Beats Boomer FX Plus True Wireless Boombox type छोटा वाला Boombox Table Top Speaker. इसको पहले डब्बे से निकालते फिर बातचीत करते हैं. Amazon तो Amazon के डब्बे से निकालते ही स्पीकर की पैकेजिंग कुछ इस टाइप की दिखती है. डब्बा इस तरह का है, डब्बे में पूरे फीचर्स इसके लिखे हैं. ब्लूटूथ इसमें वर्जन 5 है, 12 वॉट के दो स्पीकर्स आते हैं इसमें, डुअल स्पीकर. इस पर कहीं पे कुछ बना नहीं है वैसा. उसके अलावा इसमें ट्रू वायरलेस सिस्टम है जिसमें कि एक साथ दो डिवाइसेस या दो स्पीकर्स आप लोग पेयर कर सकते हो विद अ सिंगल फ़ोन. अगर आपके पास दो स्पीकर हैं इस टाइप के तो आप दोनों को एक ही फ़ोन से पेयर करके यूज़ कर सकते हो. FM रेडियो है इसमें विद इनबिल्ट एंटीना है. वॉइस असिस्टेंट है, वन क्लिक वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी आप इससे जो है इनेबल करके यूज़ कर सकते हो. 16 घंटे का इसमें प्लेबैक टाइम है एक चार्ज के बाद. पावर बैंक है इनबिल्ट जिससे कि आप अपने डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हो. USB ऑक्स और माइक्रो SD कार्ड इनपुट्स जो है इसमें सपोर्टेड है. उसके अलावा दूसरी साइड पे बॉक्स के जो है इसकी कुछ डिटेल्स आती हैं, सेम चीज़ के बैटरी कैपेसिटी क्या है और कॉलिंग फंक्शनैलिटी है कि नहीं है विद इनबिल्ट माइक. फॉर एग्जांपल कि आपका फ़ोन स्पीकर के साथ कनेक्टेड है और आपको कोई कॉल आया, आपने वो कॉल उठाया तो आप अपने स्पीकर से भी बात कर सकते हो. आपको फ़ोन अपना उठा के लाने की या उठा के फ़ोन से बात करने की नीड नहीं है. तो हाँ, इस तरह के इसमें तीन स्पीकर का सेटअप होता है, दो स्पीकर एक सबवूफर टाइप सेटअप. और अब फटाफट से इसको डब्बे से भी बाहर निकाल के स्पीकर के दर्शन हम लोग करें. अगर सबसे पहले देखने को मिलती है एक छोटी सी इसकी क्विक सेटअप गाइड जिसको अगेन कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता. उसके बाद सीधा डब्बे में आता है स्पीकर थैली में लिपटा हुआ. उसके अलावा डब्बे में आती है इसकी चार्जिंग USB विद माइक्रो SD पोर्ट और एक ऑक्स केबल. उसके अलावा डब्बे में कुछ नहीं. अब स्पीकर की बात करें तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा, बढ़िया सा स्पीकर है जिसमें दोनों साइड्स पे कुछ नहीं है, नॉर्मल एक प्लास्टिक है. आगे की तरफ स्पीकर ग्रिल है पूरी और ये एक रबराइज्ड बॉटम है इसका जिसपे कि एक इस तरह की थैली छोटी सी चढ़ी होती है जिसको हटा के अगर आप टेबल पे रखेंगे तो इससे काफ़ी अच्छी टेबल पे ग्रिप बनेगी, स्लिप नहीं करेगा टेबल से. और उसके अलावा पीछे की साइड में इसमें माइक्रो SD पोर्ट है चार्जिंग के लिए, ऑक्स केबल का कनेक्टर है और स्पीकर का ऑन ऑफ बटन है. माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, USB स्लॉट है. तो आप फटाफट एक बार स्पीकर को ऑन करके अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसका आपको डेमो में देता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है. तो आपको अपना स्पीकर इस ऑन ऑफ बटन से ऑन करना है, बढ़िया सी आवाज़ आती है और ये स्पीकर आपका पेयरिंग मोड पर चला गया. अब आपको अपने फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाके न्यू डिवाइस ऐड करनी है और सर्च करते ही आपको सबसे पहले इसका नाम दिख जाएगा MKT Boomer FX Plus पेयर. पेयर करते ही बढ़िया सा टुडुडुंग करके जो है म्यूज़िक बजता है इसका. अब बात अगर करें गाने की तो गाने का जो इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, मोड वाला बटन आप दबाएंगे तो रेडियो पर चला जाएगा. मेरे यहाँ पे भाई FM के सिग्नल ही नहीं आते हैं, तो FM के छोड़ो फ़ोन के सिग्नल नहीं आते हैं तो FM तो कहाँ पकड़ेगा. बट चैनल स्विच करने के लिए ये प्ले पॉज वाला बटन लॉन्ग प्रेस करना है आपको, तो ये नेक्स्ट चैनल अपने आप सीख करके जो है कनेक्शन ग्रैब करने की कोशिश करता है. और फिर दोबारा से आप मोड का ही बटन दबाएंगे तो ये आपका नेक्स्ट कनेक्टेड डिवाइस जो भी है माइक्रो SD USB या ब्लूटूथ पे अपने आप चला जाता है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करा हुआ है तो ये मेरा रेडियो के बाद सीधा ब्लूटूथ पे जाता है. अब एक बार आप लोगों को मैं इसका साउंड का डेमो दे देता हूँ फटाफट से. अभी आपने डेमो के लिए हमें हर बार की तरह एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा. पिछली बार मैंने अपने इस वाले साउंड बार पे लगाई लूँ जब लिपस्टिक वाला गाना लगाया था, कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोगों ने कहा भाई यही गाना क्यों, तो आज कुछ और बजा. कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल. तो अब इसकी आवाज अगर मैं फुल करता हूं Thank you.
आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा। अब इसमें सिस्टम क्या है कि जो वॉल्यूम अप और माइनस वाले जो बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो अगला गाना प्लस वाले से, माइनस वाले से लॉन्ग प्रेस करने पे पिछला वाला गाना जो भी आपका चल रहा था। वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो टैप टैप करना होता है, क्लिक क्लिक करना होता है वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। वॉइस असिस्टेंट का भी बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इसमें वॉइस असिस्टेंट वाला बटन आप जैसे ही दबाओगे तो आपके फोन पे गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। तो जी आज के वीडियो के लिए छोटा सा टेबल टॉप स्पीकर का वीडियो, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। आई होप आप लोगों को, अगर हेडफोन लगा के आप लोगों ने वीडियो देखा है तो एक बेहतरीन आइडिया आपको मिल गया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, हर बार की तरह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में फेंक देना, मैं जवाब दूंगा पूरी कोशिश के साथ जवाब दूंगा। और इसका प्राइस तो बताना रह गया, इसका प्राइस 1989 लाइटनिंग डील चल रही थी अमेजोन पे जब मैंने मंगवाया। उसके अलावा रेगुलर प्राइस इसका आता है 2199 रुपये। तो अमेजन का लिंक इस टेबल टॉप स्पीकर का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू चेक दैट आउट। बाकी आज के लिए धन्यवाद।